बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ और ये हमारा सिलसिला वीडियोस का ऐसा है जिसमें हम आपके लिए ले आए हैं कंसल्टेंट्स को आपके सामने, आपके मेडिकल जो भी सवालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके जवाब देने के लिए। आज का टॉपिक है स्किन कैंसर, यानी कि जिल्द का कैंसर। जी, ये भी एक बला है। कैंसर का नाम सुनकर ही डर लगता है, लेकिन जो एनिमीज होते हैं ना, जो आपके मुखालिफ होते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए उनके बारे में इल्म हासिल करना चाहिए। इसीलिए स्किन कैंसर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर जवेरिया को। डॉक्टर जवेरिया ऑनकोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट, और वो बिलखसूस आज कैंसर, स्किन कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम ऑन ओपीडी ऑनलाइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये स्किन जिल्द का भी कैंसर हो जाता है? जी बिल्कुल। जिल्द का, जैसे जिल्द जो स्किन होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन उसको कहा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी उसको कहा जाता है। तो हमारी जिल्द जो होती है उसके बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो और जेनेटिक्स, ये चीज़ें जो होती हैं रोल प्ले करती हैं स्किन कैंसर में। और मई के महीने को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। उसका मकसद ही ये होता है कि हम अपनी जनरल पॉपुलेशन में, पब्लिक में, इस बात की अवेयरनेस यानी आगे ही पैदा करें कि स्किन कैंसर क्या है, इसके क्या वजूहात होती हैं, इनके इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी किस तरह इससे बचा जा सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर जवेरिया, स्किन कैंसर जो होता है वो नॉर्मल जेल पे, यानी कि अगर कोई निशान विशान हो तो कैसे बचेगा कि ये निशान स्किन कैंसर है और ये नहीं है? क्या अलामत है इसकी? जी, स्किन का एक जो सबसे एक आप अच्छी बात कह लें या एक जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि बाकी ऑर्गन्स के कैंसर तो हमें नज़र नहीं आता कि क्या उस ऑर्गन में मसला हो रहा है, क्या चेंजेस वाकई हो रही हैं। स्किन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाहर साफ नज़र आती है, हम अपनी स्किन खुद देख सकते हैं कि उसमें क्या तब्दीली वाकई हो रही है। तो हर इंसान को, हर नॉर्मल बंदे को अपनी स्किन का पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल स्किन कैसी है और हमारे कौन से बर्थ मार्क्स हैं, हमारे जिस्म पे बहुत अरसे से कौन कौन से कोई तिल या मोके या छाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये चीज़ें हमारी जो नॉर्मल बहुत सालों से चली आ रही हैं वो क्या हैं और किस किस जगह पे हैं। और अगर उनमें से किसी भी पहले से मौजूद कोई जो आपका मोल्स हैं या मोके हैं, तिल वगैरह हैं, उनमें कोई तब्दीली वाकई होती है उसके साइज़ में, जैसे साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया किसी तिल का या मोके का, या उसके अंदर उसकी साख तब्दील होना शुरू हो जाए, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए, वो तादाद में भरना शुरू हो जाए, या उसकी जो है उसके कलर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, पहले वो ब्राउनिश सा था अब उसमें रेडिश चेंजेस आ रहे हैं, या दो तीन कलर्स ब्लैक ब्राउन रेड नज़र आना शुरू हो गया, या उसमें कोई कोई ज़ख़म ऐसा है कि, या कोई स्कार ऐसा है कि जो जिसमें कोई तब्दीली वाकई हो रही है, या कोई जिस्म पे ज़ख़म ऐसा आपका है जो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है बहुत लंबे अरसे से, या उसमें पस पड़ गई है, या उसमें कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो गया। तो यही कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि जिनको जहन में रखना होता है। तो ये तभी होगा जब आपको अपनी नॉर्मल स्किन का पता होगा, तो उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले सारे अलामात हों तो आपको स्किन कैंसर ही हो गया, लेकिन ये वाली कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें एक कोई छोटे मोटे मसले भी निकल सकते हैं, स्किन कैंसर भी इसी तरह की अलामत के साथ आता है, और कुछ इस तरह की होती हैं प्रिकर्सर लियंस या प्री मैलिग्नेंट लियंस कंडीशंस जिन्हें कहा जाता है, यानी वो अभी पूरी तरह कैंसर में चेंज नहीं हुई होती लेकिन वो आगे जाके कुछ सालों में कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, कुछ ऐसे ज़ख़म या कुछ ऐसे निशान, तो उनको मॉनिटर करना फिर ज़रूरी होता है। तो अच्छा, जिस आपके जिल पे कोई निशान ऐसा जिनकी शक्ल रंगत साफ तब्दील हो रही हो तो अचानक से तब्दील होना शुरू हो जाए, अच्छा तो फिर डॉक्टर से रुजू करना। जी बिल्कुल। आप इसके अलामत ऊपर ऊपर ही होते हैं या अंदर भी जाते हैं? नहीं, मोस्टली जो स्किन कैंसर होते हैं अर्ली स्टेजेस में, पहले जिल्द में ही उनकी चेंजेस वाकई होती हैं। अगर वो इग्नोर कर दिया जाए और आप ना किसी भी डॉक्टर से रुजू करें और उसका टाइम पे तशखीस करने के बाद इलाज ना शुरू करें, तो फिर ये दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकता है, जैसे कि जिगर में या लंग्स में या बोन्स में। तो लेकिन वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है। स्किन कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है क्योंकि आपकी स्किन पे नज़र आ रही होती है वो चीज़,
तो इसलिए जो है बर वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है। सही। कैंसर जो होते हैं वो सारे एक किस्म के तो नहीं होते, कुछ जी ज्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ कम स्किन खतरनाक होते हैं। तो स्किन कैंसर किस किस्म का है? कैंसर को बेसिकली हम अगर ब्रॉडली उसको डिवाइड करें तो दो मेन टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेलानोमा और एक होते हैं मेलानोमा के अलावा नॉन मेलानोमेटस स्किन कैंसर्स। मेलानोमा के अलावा जो बाकी सारे होते हैं उनको इकट्ठा क्लासिफाई किया जाता है। उनमें जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा के नाम से दो कैंसर्स होते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होते हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी मेलानोमा सबसे कॉमन है स्किन सारी कैंसर की सब टाइप्स में, स्किन कैंसर की सब टाइप्स में। उसमें अगर हम वर्ल्ड वाइड पर बात करें तो हमारे पास मेलानोमा के तकरीबन 0.3 मिलियन केसेस जो हैं वो तकरीबन 2020 के डाटा के मुताबिक पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए थे, हाँ एक साल में जी एक साल में। और अगर हम मेलानोमा के अलावा जो दूसरी कैंसर की टाइप्स पे देखें वो सारी कलेक्टिव उनका डाटा होता है तो उसमें जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन केसेस अच्छा रिपोर्ट हुए हुए हैं, अच्छा वो ज्यादा है हाँ जी, क्योंकि वो सारी बाकी सारी सब टाइप्स इकट्ठी इकट्ठी रहती क्लासिफाई है। होती है ना, तो सही। इसलिए वैसे अगर हम सबको अलग अलग क्लासिफाई करें तो मेलानोमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो क्या ये खतरनाक नहीं है? यानी कि कुछ कैंसर तो ऐसे भी, यानी कि इतने खतरनाक भी होते, सालों चलते रहे। जी इसका ये होता है कि मेलानोमा भी और बाकी उसके अलावा भी और जो टाइप्स के स्किन कैंसर हैं अगर ये स्टेज 1 या स्टेज 2 पे डायग्नोज हो जाएं तो इनका प्रोग्नोसिस यानी इनका जो आउटकम होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये पूरा कम्प्लीटली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, पूरा इलाज मुकम्मल हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अगर ये एडवांस होता जाए स्टेज 3 और फिर ख़ासतौर पर स्टेज 4 में चला जाए तो फिर ऑब्वियसली सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक मुकम्मल ठीक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे अच्छा उस सही। सर्वाइवल तो होता है यानी उसमें। कि पहचाना और बर वक्त पहचाना, जी जल्दी बिल्कुल तशखीस करना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारा क्या ज्यादा होता है स्किन कैंसर या दूसरों की तरह के? अच्छा स्किन कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है स्किन कैंसर होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि ऐसे अनासर जो कि किसी भी किस्म की जो किसी कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर दें यानी उसके होने के इम्कान को ज़्यादा कर दें। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो कि दो तरह की होती हैं, टाइप A और टाइप B। ये जो होती है इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है कि कंटिन्यूस जो हम सन एक्सपोजर हमारा हो रहा है यानी सूरज की शुआओं से जो हमारा कंटिन्यूस सामना हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा मेन रिस्क फैक्टर या मेन कॉज है स्किन कैंसर का। तकरीबन 90% जो स्किन कैंसर के केसेस होते हैं उसका उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो यही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या रेज होती हैं जो कि ज़्यादातर सन से होती हैं। तो हमारे मुल्कों में जो है जाहिर बात है हमारी स्किन टाइप इस तरह की है कि हम लोग कोई टैनिंग डिवाइसेस वगैरह तो यूज़ करते नहीं हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जिसमें लोग अपनी जो स्किन कलर है उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए टैन करने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो टैनिंग डिवाइसेस भी स्किन कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। बहुत से मुल्कों में वो बैन भी हो चुकी हुई हैं या उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके यूज़ पे रेगुलेशंस उन्होंने नाफिस की हुई हैं। तो हमारा वो वाला फैक्टर तो निकल जाता है, हमारा नेचुरल फैक्टर ही होता है कि सनलाइट एक्सपोजर। उसके अलावा हम लोगों के हमें एक जो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव चीज़ है वो ये है हमारी स्किन टाइप। हमारी स्किन टाइप जो है वो इस तरह की है कि हम हमें बहुत ज़्यादा जल्दी सन बर्न नहीं होता। हमारा सन एक्सपोजर जब हो तो हमारे कलर डार्क होता है, जो सन बर्न का रिस्क होता है वो हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न और जो जिनको हम गोरे कहते हैं गोरी पॉपुलेशन की नस्बत जो कोकेशियंस होते हैं और वेस्टर्न पॉपुलेशन होती है उन लोगों को फ़ौरन उनकी स्किन टाइप ऐसी होती है कि उनको फ़ौरन सनबर्न हो जाते हैं। और ये जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है कॉज एक स्किन कैंसर का यानी वो स्किन टाइप्स जिनके कलर बहुत ज़्यादा गोरे हैं, जिनके हेयर कलर जो है वो लाइट है, आई कलर्स जिनके कलर्ड आइज़ हैं तो ये वाले सारे जो लोग होते हैं इनको ज़्यादा रिस्क है हमारी नस्बत। डॉक्टर जवेरिया, सो सन एक्सपोजर, धूप से आपका जो एक्सपोजर है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जी और भी कोई वजह होती है? एक तो टैनिंग डिवाइसेस की, वो हमारे हाथ हाँ में जी मुसीबत नहीं है, हाँ जी और कोई वजह स्किन है? टाइप मैंने आपको बता दी है, जी एक वो होती है रिस्क फैक्टर। उसके अलावा जो होती है इम्यूनो सप्रेशन यानी कुव्वत मुदाफ़त की कमी यानी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता किसी भी वजह से कि वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह में जैसे होती है कि कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है उनकी या कोई पहले उनको कोई ब्लड कैंसर या लिम्फोमा या इस तरह का कोई मसला है कि ऑलरेडी उनकी इम्यून सिस्टम वीक है
या किसी ने ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं जिनको लंबे अरसे तक ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनके इम्यून सिस्टम सप्रेस हो और उनका ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो, तो ये वाले सारे जो पेशेंट्स होते हैं, या किसी को HIV जैसे एड्स है या इस तरह की कोई इन्फेक्शन हो गई है जिसने उनकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत कमज़ोर कर दिया है, तो ये वाले सारे जो लोग होते हैं इनके अंदर भी रिस्क ज़्यादा होता है स्किन कैंसर का। अच्छा जी, और उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास रेडिएशन थेरेपी होती है कि रेडिएशन जिन लोगों को लगी हो उन लोगों में लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में ये एक आता है कि स्किन कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा कुछ केमिकल एक्सपोजर्स होते हैं जैसे आर्सेनिक है और कोल टार है और इस तरह, उनके साथ भी रिस्क इंक्रीज होता है। और बाकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे मेलानोमा है तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ स्किन कैंसर ऐसे हैं जिसमें अगर आपके ख़ानदान में आपका कोई करीबी रिलेटिव जो है उसको हुआ है तो आप में भी वो रिस्क बढ़ जाता है स्किन कैंसर का। उसके अलावा अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशंस यानी आप में कोई ऐसी हैं जो कि स्किन कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही हैं, जो कि आपको में मौरूसी भी हो सकती हैं और एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे डेवलप हो गई हैं आपके जीन्स के लेवल पे, तो वो भी उसके रिस्क को बढ़ाती हैं कैंसर के रिस्क को। उसके अलावा जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ बाकी सारे कैंसर्स का भी रिस्क इंक्रीज़ होता है, तो एक ओल्ड एज होता है कि उसमें उसका रिस्क ज़्यादा होता है, और मेल वर्सेस फीमेल में जो मेल्स होते हैं स्किन कैंसर वो उनमें ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं कॉमनली हमारे पास पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनमें बाय बर्थ ये ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनके बहुत ज़्यादा कोई मोल्स बन रहे हैं, मोके और तिल वगैरह होते हैं, तो उनमें कुछ एटिपिकल टाइप के भी मोके वगैरह तिल होते हैं, यानी वो नॉर्मल से थोड़े मुख्तलिफ तरह के हो रहे हैं, या वो पहले एक नॉर्मल तिल ही था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो वो लोग ज़्यादा जो हैं वो प्रॉन होते हैं कि उनको डेवलप हो सकता है। उसके अलावा जो एक स्पेसिफिक टाइप्स को MSL कार्सिनोमा होता है वो स्मोकिंग के साथ उसका रिस्क होता है, या कोई बहुत लंबा कोई ज़ख्म वगैरह है जो ठीक ना हो रहा हो उसके साथ उसका रिस्क होता है, तो ये काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब जो हम लोग स्किन कैंसर अवेयरनेस में भी जो हम एक चीज बताते हैं कि यानी उसकी प्रिवेंशन के उससे कैसे बचा जा सकता है, उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है वो ये सन एक्सपोजर को ही टारगेट किया जाता है कि आपने जो है अपने आप को धूप से बचाना है। धूप से अब कैसे बचाना है, जाहिर बात है कि धूप से बचा तो नहीं जा सकता, उसके लिए ये है कि आप एक तो हमें ये इनक्रेज करना चाहिए अपने बच्चों को भी खुद भी कि जब ज़्यादा धूप है उसमें हम फुल स्लीव्स कपड़े पहने, जैसे बॉयज़ वगैरह शॉर्ट्स वगैरह से अवॉइड करें धूप के टाइम सुबह के टाइम, और कवर रखें अपने आप को जितना पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा हैट्स का, सनग्लासेस का, अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल करें, और बाकी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जिसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी है वो है सन ब्लॉक और सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल। तो हमें जो सन ब्लॉक्स और सनस्क्रीन्स होते हैं वो बेसिकली हमें ये जो सन की हार्मफुल रेज़ होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ उनसे बचाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा जो है वो अगर धूप में जा रहा है या एक्सपोजर उसका है तो उसको वो लाजमी लगाना चाहिए सनब्लॉक। मतलब डॉक्टर जवेरिया अपने आपको कवर्ड रखेंगे हर वक्त सनब्लॉक या सन स्क्रीन लगाएंगे तो फिर विटामिन डी कैसे बनेगा? एक्चुअली जो स्टडीज़ वगैरह हुई हैं उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्ट इसका वो नहीं है कि विटामिन डी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोई नहीं होता कवर करने का, नहीं सन ब्लॉक्स और सनस्क्रीन्स लगाने का। क्यों? तो क्योंकि इनका आपस में कोई एज सच कोई वो नहीं है कि उसकी वो हिंडर करे उसके विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो यानी कि जो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूवी रेडिएशन को रोकता है वो धूप के जो अफादियत है उसको नहीं रोकेगा? हाँ जी, उसको नहीं रोकेगा। और दूसरी बात यह है कि वैसे ही हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की तो आपको पता है ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो ऑन अ सेफर साइड यही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स तो आपको लेने चाहिए। तो वैसे कोई डायरेक्ट लिंक एज सच जो है वो अभी तक कोई एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इस पे ट्रायल्स और रिसर्च जारी है। ठीक है, तो यानी कि सनब्लॉक सनस्क्रीन आराम से लगा ले, विटामिन डी फिर भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये मुझे जरा समझाइए कि ये सनब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या फर्क है?
जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. सन ब्लॉक और सनस्क्रीन, बेसिकली सन ब्लॉक और सनस्क्रीन जो होते हैं, वैसे भी अगर ब्रॉडली देखें तो दो टाइप्स के होते हैं. एक फिजिकल या मिनरल आपने सुना होगा कहा जाता है उसको, उसके अंदर मोस्टली जिंक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि एक लेयर फॉर्म कर देता है आपकी बॉडी के ऊपर, और उसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, वो डायरेक्ट उनको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, और सन ब्लॉक मोस्टली जो होते हैं उसी को ही कहते हैं कि वो एक लेयर फॉर्म कर रहा है और वो ब्लॉक कर दिया उसने. दूसरे टाइप के होते हैं केमिकल, केमिकल वंस, उनके अंदर दूसरे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं. वो मोस्टली जो होते हैं सनस्क्रीन के फॉर्म में होते हैं, वो हमारी जिल्द में एब्जॉर्ब हो जाते हैं खुद, और सन रे उनका मकसद, उनका फ़ायदा ये होता है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उनको वो हमारी स्किन से पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो पहले खुद भी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी जज़ब हो जाते हैं. वो एक प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर नहीं बना रहे, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ेगी तो स्किन की एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा या रैपिड उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, सनस्क्रीन तो वो सनस्क्रीन पहले एब्जॉर्ब कर लेगा उसको. इन दोनों में से बेहतर क्या है? दोनों लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अगर साइड इफ़ेक्ट्स वाइज देखें और एफिकेसी वाइज देखें तो कहा जाता है कि अगर आप फिजिकल सनब्लॉक यूज़ करें जिनमें जिंक ऑक्साइड होता है और थोड़ी सी वाइटिश टिंच भी होती है, तो वो ज़्यादा बेटर है. और ठीक बाकी एक ये होता है कि एक इनका SPF फैक्टर भी होता है जो कि सनस्क्रीन्स और सनब्लॉक के ऊपर लिखा होता है, वो SPF फैक्टर होता है, सन ब्लॉक प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव फैक्टर, प्रोटेक्शन फैक्टर. तो ये 15 से ऑनवर्ड्स शुरू होता है. तो इसमें ये है कि आपने एक तो 30+ आप कोशिश करें, 30 या 30 से ज़्यादा वाला SPF वाला सनब्लॉक इस्तेमाल करें. और दूसरी बात ये है कि ये जो SPF फैक्टर होता है ये रेफर करता है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस को, तो हमने ए को भी कवर करना है और बी को भी कवर करना है. इसलिए सनब्लॉक खरीदते हुए आप लाजमी उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पढ़ लें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी वो ए को भी कवर करे और बी को भी कवर करे. वाह डॉक्टर जवेरिया, क्या बच्चों को लगाया जा सकता है सनब्लॉक? लगाना चाहिए? जी बिल्कुल. ये डर्माटोलॉजी डर्माटोलॉजिस्ट और जो डर्माटोलॉजी के ट्रायल्स वगैरह होते हैं उसमें वो कहते हैं कि 6 मंथ्स+ बच्चों को लगाया जा सकता है, और इसके कोई एज सच हार्मफुल साइड इफेक्ट्स वगैरह रिपोर्ट नहीं हुआ है. और बड़ों वाला ही लगा लें या बच्चों के खास लगाना जरूरी है? बच्चों के यही कहते हैं कि जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं, मिनरल सनस्क्रीन, वो अगर एडल्ट वाला भी है तो आप लगा सकते हैं. वैसे बच्चों की स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस भी आती हैं, लेकिन मिनरल वाला अगर एडल्ट भी है तो आप लगा सकते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी कि आप जब फ्लाई कर रहे हो, फ्लाई लाइक एरोप्लेन में, तो तब तो जरूर लगाए बिकॉज यूवी रेडिएशन बहुत जी ज्यादा होती है. इसी हवाले से मुझे बताइए, क्या जब आप बाहर नहीं जा रहे, अंदर घर में बैठे, तब तो नहीं लगाने की जरूरत ना? ये एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है कि सनलाइट हमें नहीं हमारे पे पड़ी. जब भी हम घर में भी होते हैं तो विंडोज डोर्स और उसके थ्रू हमें सनलाइट तो आ रही होती है, तो आइडियली स्पीकिंग तो घर में भी लगाना चाहिए. यानी वाह मतलब उसका ये है कि सुबह उठ के आप मुंह धो के आप जब अपना जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसके बाद आप सनब्लॉक लगा अब लें. आप रात को तो नहीं कहेंगी ना? नहीं, रात को नहीं लगाना होता है, लेकिन दिन के टाइम में आपने लगाना होता है, और वो एक ही दफ़ा लगाना काफ़ी नहीं होता. अगर आप मुंह धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, या आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तब तो लाजमी आपको हर 2 घंटे बाद उसको रिपीट करना है. और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आपको नहीं भी हाथ मुंह धोया तब भी 2 से 3 घंटे बाद आप कर लें तो बेहतर है, करना चाहिए उसको दोबारा. डॉक्टर जवेरिया, कुछ कंसर्न से खासतौर पे खवातीन के हवाले से, कि मेकअप करने से, बालों का केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से, बोटॉक्स लगाने से या और लेजर थेरेपी से क्या स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ प्रूवन नहीं है, मतलब ठोस सबूत नहीं है कि इन चीज़ों का कोई लिंक है, इसीलिए ये प्रोसीजर्स हो भी रहे हैं और अब आजकल तो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं. तो कुछ इंडिविजुअल केसेस होते हैं रिपोर्ट के, जैसे केराटिन से कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं या हेयर डाई से होते हैं, तो वो केस स्टडीज़ हैं, लेकिन उन पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, और रिसर्चेस हो भी रही हैं, और अगर कोई ऐसे सॉलिड शवाहिद आते हैं तो जाहिर बात है वो आगे आ जाएंगे सही सामने. से. डॉक्टर जबेरिया, बिल फर्ज करें कि किसी को कुछ लग रहा है कि उसका जो एक निशान है उसका बदल रहा है, साइज कलर जो भी जिस तरीके से, और उसको अब शक है कि ये कैंसर हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ऐसे है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह का लग रहा है जो सिम्टम्स मैंने बताए भी हैं, तो
तो आपको या तो आप अपने घर के पास जो भी करीबी एक्सेसिबल डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर है, उसको आप दिखाएं, वरना अगर हो सकता है तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट से आप रुजू करें और उनको दिखाएं। उसमें होता यह है कि अगर कोई भी इस तरह की सस्पिशियस जो होता है, कोई मोका हो, कोई ज़ख़म हो, वो मौजूद हो, तो डॉक्टर उसकी स्किन बायोप्सी का सैंपल लेते हैं। वो जो मुतासरा हिस्सा होता है वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है, जो कि बिल्कुल आउटडोर प्रोसीजर होता है और कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। लोकल एनेस्थीजिया देके उस जगह को सुन करके वो सैंपल ले लेते हैं और उसको फिर लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुआयना कर लिया जाता है। और वो बायोप्सी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है या नहीं है, या कैंसर सेल्स मौजूद हैं या नहीं है, फिर उसकी बेस पर आगे ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसका अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता किसी को ये बायोप्सी प्रूवन हो गया, फिर क्या लाया अमल होता है? कितना मुश्किल इलाज है? इलाज किस हद तक कामयाब है? उसमें सबसे पहले तो इस बात का पता लगाया जाता है कि ये सिर्फ स्किन तक ही महदूद है या ये कुछ फैल चुका है। उसके लिए कुछ टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह कराए जाते हैं और स्टेजिंग वर्कअप यानी फैलाव का की निशानदेही की जाती है, कितना फैला हुआ है। अगर तो अर्ली स्टेज हो, अर्ली स्टेजेस में इसकी बायोप्सी कर सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है, यानी जितना हिस्सा मुतासर हुआ है उस हिस्से को और उसके साथ से थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू लेके उसको निकाल दिया जाता है। तो इसकी सर्जरी जो है वो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। और उसमें जो बहुत छोटी कोई हो, कोई मौका है या कोई बहुत छोटा सा ज़ख़म है, तो उसमें कुछ लोकल टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि क्यूरेट करके, क्यूरेट आज करके निकाल देते हैं। वो एक स्पून की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे स्क्रैप करके निकाल देते हैं वो मुतासरा हिस्से को, या लेज़र के थ्रू भी होता है, कुछ जो है कॉटरी वगैरह करके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर बहुत चीज़ें पता चली आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आपसे मैं कहूँ कि टेक होम मैसेज स्किन कैंसर के हवाले से, आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहती हैं, बताना चाहिए? टेक होम मैसेज यही है कि अपनी जो नॉर्मल स्किन है उसका आपको पता होना चाहिए, और कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा आपने अपनी जिल्द का तफसील से मुआयना लाजमी करना है, और जिस्म पे मौजूद पहले से कोई आपके बर्थ मार्क्स या मोल, तिल, छाइयाँ वगैरह जो भी हैं उनको आपने देखना है कि उनमें कोई तब्दीली वाकई नहीं तो नहीं हुई, और अगर कोई भी उसकी रंगत में या उसकी साइज़ में या उसकी जो साख्त है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं हो गई, उसमें कोई तब्दीली वाकई होती है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि अर्ली जो डायग्नोसिस है, जितनी जल्दी तशखीस होगी उतना जो इलाज है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आप जो हैं कैंसर से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया, आपकी जो मालूमात है वो इंशाल्लाह लोगों को की ज़िंदगियां बचाएंगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इस चीज़ आप मालूमात जो आपको मिली है वो फैलाइए, अपना भी ख्याल रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करिए, और ऐसी मालूमात हासिल करते रहने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोज़ देखते रहें। कोई सवाल आपके आपका हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि जवाब जल्द अज जल्द दें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होती है मेरी तरफ से और डॉक्टर जवेरिया की तरफ से। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।